क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव स्वयंभू है, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति के अनोखे विवरण मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जबकि शिव विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए। इस दिव्य तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव योग मुद्रा में रहते। श्रीमद् भागवत की कथा में एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी अचानक एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होने से दोनों को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने शिव की महानता को समझा। विष्णु पुराण में भगवान शिव के बाल रूप का उल्लेख भी मिलता है। कथा के अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने तपस्या की। अचानक उनकी गोद में रोते हुए एक बालक प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जब रोने का कारण पूछा तो बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। एक कथा ऐसी भी है जिसमें जब पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तो विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। सृष्टि की चर्चा के दौरान शिव भी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें पहचाना नहीं। तब विष्णु ने दिव्य दृष्टि देकर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। अगर इस वीडियो की माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ने में थोड़ी बहुत भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में।